सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर जी, ये दोनों आपके? मेरे दोनों लड़के। तो जनाब सवाल ये उठता है कि मदरसे के अंदर पढ़ने वाला एक मुस्लिम कहलाता है, गौर से देखिए ये आदमी कैसे अपनी भावनाओं को दर्शा रहा है और एक तरफ से मदरसे के अंदर क्या चल रहा है, ये सबके सामने आ रहा है कि मुस्लिम धर्म आखिर क्या चाहता है। क्या है, क्या समस्या हुई आपके साथ? समस्या ये है कि मेरे बगलगीर हैं मुनाजिर हसन, जो पहले प्यून थे, रिटायर कर गए हैं। उनका आपस में बहुत रिश्तेदारी है एक दूसरे के यहाँ भाई बहन में, जो करीब करीब 30-40-50 के संख्या में हर बात पर आते हैं। गोरू का मांस लाते हैं लरवारा से, खाते गोरु यानी कि गाय, हाँ गाय का लाते हैं, खा के मेरे गेट पर फेंक देते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं, उस पर सब मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा बच्चा मदरसा पढ़ने नहीं जाता है, इस लेके भी सब लोग आते हैं। आखिर क्या राज है कि मुस्लिम धर्म को मदरसे के अंदर ही पढ़ना होगा? देखिए ये शख्स कैसे बयान कर रहा है कि उसके बच्चे के साथ कैसी प्रताड़ना की जा रही है। तुम्हारा बच्चा अगर मदरसा नहीं जाएगा तो हम तुमको रहने नहीं देंगे। मेरे बच्चा के साथ पूछा जाता है कि तुम हिंदू है कि मुसलमान है, मदरसा नहीं जाता है तो तुम नहीं हिंदू है और नहीं मुसलमान है, इसलिए तुमको मारेंगे, और इसके साथ मारपीट किया जाता है इस दोनों बच्चा के साथ। जी यही स्थिति है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन हो। सुना जाता है कि इसका अब तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है, इसलिए इस शख्स ने अपने पूरे परिवार को लेकर हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर लिया है।